अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं दम का कीमा बनाने जा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो, साथ ही फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। अच्छा, तो आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, इसके लिए मैंने किन इन्ग्रीडियंट्स का इस्तेमाल किया है आए बताते हैं। 300 ग्राम यहाँ मैंने कीमा लिया है, होममेड दही है ये। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी कि कैसे ये दही जमाते हैं घर में। तो इसमें से मैं 2 टेबल स्पून लूँगी। और यहाँ मैंने मसालों में धनिया पाउडर 2 टीस्पून, यहाँ मैंने टिक्का मसाला 1 टीस्पून लिया है। ये भी होममेड है, मैं इसकी रेसिपी भी आपने चैनल पे बता चुकी हूँ, आपको लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें से देख लीजिए। नमक 1 टीस्पून भर के लिया है मैंने यहाँ। साथ ही में मैंने यहाँ लिया है लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा भून कर पीस लिया है 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर मैंने यहाँ लिया है 1/2 टीस्पून, भुना बेसन है 2 टेबल स्पून, 1 बड़ी चॉप प्याज ली है मैंने, इसीलिए चॉपर के इसमें दिखाया आपको कि मैंने भी इसी में किया है। साथ ही में लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे, ये भी मैं तीनों हम वज़न पीसती हूँ 1 टेबल स्पून भर के मैं ये लूँगी। देखें, कीमे में शामिल करेंगे, तमाम मसाले शामिल करेंगे, चॉप प्याज शामिल करेंगे, अब 2 टेबल स्पून मैं भरकर दही शामिल करूँगी। तमाम चीज़ों को मैं हल्का सा मिक्स करूँगी, बाकी पैन में डाल के भी कर सकते हैं। अब यहाँ पैन में मैंने कोई अभी ऑयल कोई घी नहीं लिया, इसमें शामिल करेंगे। साथ ही मैं 1/2 कप पानी शामिल करूँगी। ठीक है, इस मसालों के बोल में ही 1/2 कप पानी मैंने शामिल कर दिया। अब मैं इसे पकाऊँगी। आपने इसे 15 से 20 मिनट दरमियानी आँच पे पकाना है। 20 मिनट तक हमें इस कीमे को पकाना है। अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसे कवर करके रख रही हूँ। 15 मिनट बाद देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। 15 मिनट हो चुके हैं और कीमा हमारा अच्छा सा गल गया है, क्योंकि मैंने यहाँ जो कीमा लिया था वो 2 दफ़ा मशीन का बारीक पिसा हुआ लिया था। अब मैं यहाँ बेसन ऐड कर रही हूँ, भुना हुआ है, इसको आपने इसी नॉन स्टिक पैन में भून लेना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ कोयला गरम रख दिया है। इसे पकाएंगे हम 5 मिनट तक। देखें, पकाते पकाते 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 1/2 कप जितना घी डालूंगी, चमचे की मदद से डाल रही हूँ, इसलिए मैं 4 चमचे घी के इसमें ऐड करूँगी। ऐसे भी मिक्स करेंगे। ये देखें, घी भी हमारा मेल्ट हो गया है। अब मैं इस पर कोयले का स्मोक दूंगी। अब मैं यहाँ हरा धनिया छिड़कूंगी, चंद अदरक प्याज के रिंग्स रखेंगे हम। और यहाँ मैं कोयले का स्मोक देने लगी हूँ, चूल्हा बंद कर रही हूँ। हल्का सा इस पर बहुत ज़बरदस्त से इसको स्मोक देना है आपने, 5 मिनट तक इसको स्मोक देना है। कोयले को अच्छा गर्म कर लीजिएगा। ये देखें, दम पे आ चुका है, स्मोक इसका हो चुका है। अब मैं
इसको सर्व करूँगी और हम इसे चपाती के साथ इंजॉय करेंगे। आप चपाती, पराठे या नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं और साथ में रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना कमेंट फीडबैक दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।